हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य न तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, नहीं बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे पार्थ, जो कर्मयोगी होते हैं वो आसक्ति छोड़कर कर्म की सफलता और विफलता में सम बुद्धि से काम लेकर योग द्वारा परमात्मा पर आस्था रखकर कर्म करते हैं, इसे ही समत्व योगा कहते हैं। हे पार्थ, ईश्वर को समर्पण करने की भावना से किया हुआ कर्म फल प्राप्त की कामना से किए हुए कर्म से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष कर्म फल की आशा किए बिना समबुद्धि योग द्वारा कर्म करते हैं और पाप पुण्य आदि भावनाओं से मुक्ति पाते हैं। पार्थ, तुम भी ऐसी भावनाओं से मुक्त हो जाओगे जब तुम समबुद्धि कर्म का आचरण करोगे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। त्याग दे तू आसक्ति धनंजय, कर्मों में रत रहे जैसे योगी। सिद्धि असिद्धि में राख समत्व के, लाभ रूहानि का मन संभोगी। योग की परिभाषा है समत्व, है स्थिरता में योग परम उपयोगी। विजय पराजय जान समान, तभी तेरी योग में परिणति होगी। विजय पराजय जान समान, तभी तेरी योग में परिणति होगी। पार्थ, एक बात ध्यान में रखो, फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य को ख्याति आदि लाभ प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे परमात्मा और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हे केशव, मनुष्य को पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है, दोनों से भला बुरा प्रारब्ध बनता है। प्रायश्चित द्वारा पाप से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु पुण्य से वो मुक्त कैसे होगा? हे अर्जुन, पाप पुण्य सुख दुख यश अपयश आदि भावनाएं साधारण मनुष्य के लिए हैं, परंतु जो कर्मयोगी होते हैं वो इन भावनाओं से मुक्त होते हैं, आलिप्त होते हैं। कर्मयोगी अपनी अंतरात्मा की आवाज को परमात्मा का आदेश मानकर आचरण करते हैं। इसमें कहां आती है पाप पुण्य की भावना? हे पार्थ, यदि तुम मोह के अधीन हो गए हो तो निष्काम कर्मयोग कैसे अपनाओगे? तुम्हारी बुद्धि पर जो मोह के अंधकार का पटल छा गया है उसे ज्ञान के प्रकाश से हटा दो और अपनी बुद्धि को मोह के दलदल से बाहर निकालो। हे पार्थ,
यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वो जानता नहीं कि देह तथा समस्त भोग नश्वर हैं, मिथ्या हैं। जब मनुष्य सत और असत अथवा नित्य और अनित्य का भेद जान जाता है, तब वो निरासक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता। इसका दूसरा अर्थ है मोह का त्याग करना तथा मोह का लोप होने पर मनुष्य किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होता। हे पार्थ, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोह का त्याग होता है, आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है। योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ होने के कारण मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। पार्थ, तुम भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्मयोग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। हे मधुसूदन, ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, इसे समझाओ। पार्थ, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और ना ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। दुखेश अनुद्विग्न मनाह सुखेश विगत स्प्रिहा वीत राग भय क्रोधा स्थित धीह मुनिरुच्यते। समझा कर मुझको कहो हे केशव सर्व चलन में कैसा है स्थित प्रज्ञ, कैसा है स्थित प्रज्ञ। पूर्ण मनोकामनाएं मन से जो तज डाले रहे संतुष्ट सदा आत्म विलास में। चलित ना हो कदापि नहीं कोई स्पृहा सुख सुमन सुवास में। राग है न द्वेष जहां मोह ने शेष नहीं लेश मात्र अस्थिरता जिसके आभास में। शुभ से प्रसन्न हो न अशुभ से जो भय माने ऐसा स्थित प्रज्ञ रमे योग रस रास में। ऐसा स्थित प्रज्ञ रमे योग रस रास में। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ महापुरुष सुख दुख प्रत्येक अवस्था में आत्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। परम आनंद में लीन होने से ऐसे मनुष्य को दुख और सुख कभी विचलित नहीं करते। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का मन उस दिए की भांति होता है जिसकी लौ स्थिर होती है, कभी डोलती नहीं। प्रभु,
दिए की लौ अधिक समय तक अचल और अडोल तो रहती नहीं, वो हवा के हल्के से झोंके से भी तड़पने लगती है। हाँ देवी पार्वती, प्रभु श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं कि मनुष्य का मन कामनाओं की आंधी में रखे हुए एक दीपक की तरह होता है। कामनाओं के तेज झोंके उस दिए की बाती को स्थिर नहीं रहने देते। प्रभु ये उपदेश दे रहे हैं कि मन को स्थिर रखने के लिए मन की कामनाओं को लगाम देना चाहिए। यदि कामना को लगाम न दी जाए तो एक कामना से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी कामना जन्म लेती रहती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब किसी व्यक्ति के पास घर न हो तो वो मनुष्य एक झोपड़ा की कामना करता है। झोपड़ा मिल जाता है तो उसे बड़ा घर चाहता है, फिर उससे भी बड़ा घर, और फिर राजमहल की कामना करता है। उसकी एक ही कामना असीम रूप लेकर बढ़ती रहती है। तो फिर मनुष्य इन कामनाओं को कैसे लगाम दे सकता है? इसका सही और सरल उपाय यह है कि मनुष्य मन में संतोष पैदा करे। जहां जिस अवस्था में जिस क्षण में उसे संतोष प्राप्त हो जाए, वहीं उसी क्षण में प्राणी सुखी और शांत हो जाएगा। हे कृष्ण, तुम कहते हो कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मन के दिए की ज्योत को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर डोलने न दो। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो, यही ना? नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य न तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीन गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीन गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। और सत्वगुण वाला? सत्वगुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ ना कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है
वो वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है। सर्व कामनाओं को सर्वथा जो तज डाले, जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के, शांति करे प्राप्त विचरण करे शांति से, ममता से स्नेह से स्नेहा से नाता तोड़ के। अर्जुन ऐसा योगी मोहित ना होता कभी, नैया ना डुबोता पतवार कहीं छोड़ के, अंत काल आने पर ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के, होता ब्रह्मलीन नाता ईश्वर से जोड़ के। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा, सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, धर्म अधर्म के भेदों से न्यार है, अमर है गीता की बोल सारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, विद्वान स्वामी सखा Krishna, 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 Krishna.